लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पोस्टर बॉयज से अपने करियर की शुरुआत करने वाली उत्तराखंड की तृप्ति डिमरी फिल्म बुलबुल में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म में वे बंगाली बहू का रोल निभा रही हैं। रहस्यमी कहानी पर आधारित यह फिल्म 24 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मूल रूप से रुद्रप्रयाग के नागकोडकाल निवासी तृप्ति का परिवार दिल्ली में रहता है। तृप्ति डिमरी ने कुछ साल पहले ही बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया। तृप्ति 2017 में श्रेयस तलपड़े की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज और 2018 में प्रेम कथा पर आधारित फिल्म लैला मजनू में काम कर चुकी हैं। अब प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा की 24 जून को रिलीज होने वाली फिल्म बुलबुल में देखेंगी। इसमें तृप्ति के अलावा राहुल बोस, अविनाश तिवारी, पावली डैम, परमव्रत चटर्जी भी नजर आएंगे। फिल्म बंगाल की 19वीं और 20वीं सदी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तृप्ति के पिता दिनेश डिमरी ने बताया कि तृप्ति ने उन्हें ट्रेलर भेजा था और उसके बाद फोन किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में तृप्ति के किरदार को लेकर परिवार और रिश्तेदार काफी उत्साहित हैं। तृप्ति मार्च में अपने जन्मदिन पर दिल्ली आई थी, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन के चलते मुंबई में ही है। 2 मिनट 16 सेकंड का फिल्म का ट्रेलर 19 जून को रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी डरावना और सस्पेंस से भरा है। सबसे ज्यादा बुलबुल का किरदार रहस्यमी दिख रहा है। फिल्म लैला मजनू की सफलता के बाद पहली बार वर्ष 2018 में तृप्ति अपने गांव रुद्रप्रयाग पहुंची थी। पिता दिनेश डिमरी ने बताया कि तृप्ति को अपने गांव खास तौर पर पहाड़ से काफी लगाव है। वह जब भी दिल्ली आती है गांव की बात जरूर करती है। उन्होंने बताया कि इस बार गांव आना था लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। फिल्म पंगा में आदि की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार यज्ञ भसीन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम आरोग्यम योग मंदिर के संस्थापक योगी रजनीश के साथ नमामि गंगे घाट पर योग किया। आदि ने कहा कि योग से इम्यूनिटी, कम्युनिटी और यूनिटी स्ट्रांग होती है। योगी रजनीश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से समूचे विश्व ने योग के महत्व को समझा है। उन्होंने कहा, योग मानव जीवन का अभिन्न अंग है। योगाभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना को हराने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का सुदृढ़ होना जरूरी है। योगी रजनीश ने आसन व प्राणायाम मुद्राओं के साथ ध्यान का अभ्यास भी कराया। बाल कलाकार के साथ हरिद्वार की यशस्वी शर्मा ने भी योग किया।